गुहान 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 नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान गौशाला रोड पोखर के सामने नवगछिया वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। ग्रैंड ओपनिंग 1 जनवरी 2021 से आपकी सेवा में, आइए आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं निधि झा और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं बिहार की प्राइम टाइम खबरें। भागलपुर के कजरैली थाना क्षेत्र के सिमरिया चाय टोला में एक युवक की देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्या के बाबत में बताया जा रहा है कि मृतक युवक मिथुन यादव है, जो 4 वर्ष पूर्व अंतरजातीय विवाह कर अपने ससुराल में रहता था। मृतक के परिजन ने मृतक की पत्नी परी और उसके ससुराल पक्ष के खिलाफ कजरैली थाना में मामला दर्ज कराया है। जीतन राम मांझी के मांग पर बोले मुकेश सहनी, हर कोई अपनी पार्टी को मजबूत बनाना चाहता है। जमुई से पटना जाने के क्रम में बिहार शरीफ के 17 नंबर मोड़ के समीप वीआईपी पार्टी सुप्रीमो व बिहार सरकार के पशुपालन व मत्स्य पालन मंत्री मुकेश सहनी का कार्यालयों में भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर पत्रकारों से रूबरू होते हुए हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी द्वारा गठबंधन में दबाव बनाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी की अपनी पार्टी है। विभागों की व्यवस्था का जायजा ले रहे नए डीएम, कहा लोगों की समस्या को लेकर लापरवाही नहीं बरती जाएगी। भागलपुर जिले में नए डीएम आने के बाद रोजाना सभी एक एक प्रखंड कार्यालय और अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिले के डीएम सुब्रत सैन ने आज जिले के जगदीशपुर प्रखंड के डीएम औचक निरीक्षण करने पहुंचे। डीएम ने सबसे पहले बलुआचक स्थित पंचायत सरकार भवन का निरीक्षण किया। भूमि अधिग्रहण एवं स्ट्रक्चर मुआवजे से लेकर सड़क निर्माण में बड़े पैमाने पर घोटाला। NH-83 भूमि अधिग्रहण संघर्ष समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, सचिव जावेद खान ने आरोप लगाया है कि NH-83 चौड़ीकरण के अधिग्रहण की गई भूमि में भूमि अधिग्रहण एवं स्ट्रक्चर के मुआवजे से लेकर सड़क के निर्माण तक बड़े पैमाने पे घोटाला हो रहा है। फिर फिसली गोपाल मंडल की जुबान, कहा तेजस्वी बनेंगे सीएम। भागलपुर जिले के गोपालपुर विधानसभा के जदयू विधायक गोपाल मंडल लगातार अपने विवादित बयानबाजी के कारण चर्चा में बने हुए हैं। अब उन्होंने एक बार फिर से अपनी जुबान से नया बयान दे दिया है। गोपाल मंडल ने कहा है कि बिहार में तेजस्वी यादव जल्द ही सीएम बनेंगे। गोपाल मंडल ने बयान के बाद निश्चित रूप से बिहार में राजनीतिक लड़ाई तेज होने की संभावना जताई है। बिहार में फिर मिले कोरोना के 377 नए मरीज। राज्य में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 25,54,074। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 377 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 25,54,074 हो गई है। बिहार में फिलहाल 4,533 लोग कोरोना के एक्टिव मरीज पाए गए हैं। तो वोट के लिए फतवा जार कर देते गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल। भागलपुर जिले के गोपालपुर विधानसभा के जदयू विधायक विवादास्पद बयान के कारण चर्चा में चल रहे हैं। गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल ने कहा है कि उत्तर बिहार में अति पिछड़ा समाज में मेरा इतना वर्चस्व है कि वोट के लिए फतवा जारी देते, पिछड़ों का एक भी वोट कहीं और नहीं जाता। गोपाल मंडल भागलपुर सीट पर भाजपा प्रत्याशी रोहित पांडे को मिली हार को लेकर मीडिया के सामने अपनी बात रख रहे थे। गलत तरीके से प्रमोशन पाए 93 शिक्षकों का प्रमोशन होगा निरस्त, वेतन भी होगी वसूली। कैमूर जिले में स्नातक ग्रेड में गलत तरीके से प्रमोशन पाए 93 शिक्षकों का प्रमोशन निरस्त कर दिया गया है। इन सभी शिक्षकों पर नियमों के विपरीत गलत तरीके से प्रमोशन पाने का आरोप है। इसके साथ ही इनके वेतन की भी वसूली की जाएगी। गंगा नदी में मिली युवक की लाश, हाथ पैर रस्सियों से था बंधा। पटना सिटी के खांजी कला थाना क्षेत्र के खांजी कला घाट पर गंगा नदी में शव तैरता हुआ दिखने लगा, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं शव का हाथ पैर बंधा हुआ मिला, जिसके कारण स्थानीय लोगों ने हत्या कर शव को ठिकाने लगाने की आशंका जताई है।
बिहार में स्कूल खुलते ही कोरोना विस्फोट, एक ही साथ स्कूल के 25 बच्चे के साथ शिक्षक भी पॉजिटिव। इस वक्त मुंगेर से यह खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां असरगंज प्रखंड में ममई हाई स्कूल में एक साथ 25 स्टूडेंट के साथ शिक्षक भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। गुहान 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 नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान गौशाला रोड पोखर के सामने नवगछिया, वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। ग्रैंड ओपनिंग 1 जनवरी 2021 से आपकी सेवा में, आइए आपका स्वागत है। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए खुशखबरी, अब चंपारण मीट का स्वाद नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में, जहां चिकन स्टू 50 रुपए, मटन स्टू 65 रुपए, चिकन सिक लेग पीस 100 रुपए और तो और चिकन थाली मात्र 150 रुपए एवं मटन थाली 195 रुपए में उपलब्ध है। स्वाद के लिए अवश्य पधारें सुंदरम अहुना मटन, राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। फ्री होम डिलीवरी के लिए उपलब्ध है, संपर्क करें 8603493747। अब एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ, अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052443।